हरियाणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनों में मूर्त रूप देने की अनेक पहल की है। इस कड़ी में सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और अग्रणी कदम उठाते हुए अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दयालु योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा। हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा, उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभ मिलना है उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाए। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बड़ा व्यापारी शायद उसकी हड्डी सहन कर लेगी, उसकी इतनी ताकत है, वो एक जगह नहीं 10 जगह काम करता है, कहीं एक जगह नुकसान हो गया तो बाकी जगह से उसकी पूर्ति वो कर लेगा। लेकिन जिसका एक ही काम है उसी में नुकसान हो गया तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। इस न्यास द्वारा 3 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना तथा अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शामिल है। प्रसन्न है, खुश होकर के जीएसटी जमा कराते हैं। देश ने रिकॉर्ड तोड़ा, 4 महीने पहले जो मंथली कलेक्शन होती है 1,66,000 करोड़ रुपया देश में जीएसटी इकट्ठा हुआ। और एक अच्छी बात यह है कि जीएसटी कलेक्शन पर कैपिटा कलेक्शन, इसका भी हिसाब लगाते हैं वो, आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा कलेक्शन कहां की है। छोटे प्रदेश तो वो अलग एक ग्रुप है 8-9 प्रदेशों का, बड़े प्रदेशों का अलग ग्रुप है। छोटे प्रदेशों में तो सिक्किम है, सिक्किम के बाद गोवा है, बड़े प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है। यानी हमारा कलेक्शन 2,54,00,000 की आबादी पर पिछले साल 21-22 में 26,700 समथिंग है पर हेड। यानी एक आदमी जितना माल खपत करता है उसमें से 26,000 रुपया वो सरकार को देता है, बाकी खुद खाता पीता है। तो ये बहुत, ये ठीक है कि उसमें से कलेक्शन में से बहुत सामान ऐसा भी है जो हमारे यहाँ उपयोग नहीं होता, वो दूसरे प्रदेशों में चला जाता है, फिर वो टैक्स वहां चला जाता है, रिटर्न भी होता है। एक्चुअल जो इनकम है वो कम है लेकिन कलेक्शन इतनी है। तो ये हरियाणा के व्यापारी का एक बहुत बड़ा, एक सुंदर एक सिस्टम बना हुआ है। इसमें हमको सारे सिस्टम पता है कि बड़े व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको एक टैक्स के रेट्स हैं वो सब देने होते हैं, अगर वो उस प्रकार से नहीं करना चाहता तो जो कंपोजिट स्कीम अप टू 150 1-1.5 करोड़ तक, उसको थोड़ा छोटा व्यापारी मान लेते हैं कि जिसका महीने में 12,00,000-13,00,000 की टर्नओवर है अर्थात रोज की 40,000-50,000 है, उसको छोटा व्यापारी मान करके भैया जितना टैक्स दिया है बस 1% और दे दो तो मैं कुछ नहीं करना, हिसाब किताब भी कम, सीए के झंझट भी खत्म। केवल एक बार रजिस्ट्रेशन के समय सीए को पैसा देना होता 5-4 हज़ार रुपया, और आज जो 20,00,000 से नीचे वालों का रजिस्ट्रेशन वो झंझट भी खत्म। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। परिवार सुरक्षा योजना शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं। तो ये दयालु योजना जिसमें हम
पांच वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा, इसको इसी ढंग से उल्लेख करें, ठीक है। और दूसरी योजना उसको संक्षेप में नाम है क्षतिपूर्ति योजना। उस क्षतिपूर्ति योजना का दायरा कैसे कैसे बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे आप लोगों को पता लग जाएगा, और बाकी सारी स्कीम का जो विवरण है वो सब बता दिया है। इसमें हमारे जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जैसा बताया कि 60% लोग तो जो 40 लाख से नीचे का रजिस्ट्रेशन है, एक बहुत बड़ा अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बार हमको कहा था कि देखिए रजिस्ट्रेशन में किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, कुछ लाभ ही होगा, छोटे बड़े सबका रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि आगे चल करके उनको बड़े होने का मौका मिलेगा। और जब वो 40 लाख से बढ़ जाएंगे तो उनको अचानक कोई दिक्कत नहीं आएगी, 40 लाख 50 हो गया, 60 हो गया, हर किसी इच्छा करेगी मैं ज्यादा बढ़ूं आगे। ये जो बीमा है, ये बीमा जो पहले से बीमित फर्में हैं या जो संस्थान है उसको बीमा नहीं कराना है और ना उसको उपयोगी होगा, क्योंकि बीमा एक ही जगह से मिलेगा। और जो लोग लोन लेकर के अपना कहीं ना कहीं से काम चलाते हैं उनका बीमा पहले से बैंक कराता है, उनको नहीं कराना है। बता दें कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि PMGGBY और PMSBY के लाभार्थियों जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक है उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार दे रही है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।